आज हम लोग जानेंगे आयरिस पॉइंट मशीन के बारे में। तो आयरिस पॉइंट मशीन दो प्रकार का होता है, पहला 143 mm स्ट्रोक वाला और दूसरा 220 mm स्ट्रोक वाला। तो आज हम लोग 143 mm वाले स्ट्रोक के बारे में जानेंगे। तो 143 mm स्ट्रोक को इस प्रकार विभाजित किया गया है, ओपनिंग के लिए 115 mm, आइडियल स्ट्रोक 25 mm और स्प्रिंग 3 mm। आयरिस पॉइंट मशीन का डिज़ाइन आयरिस स्पेसिफिकेशन S24/2002 और RDSO ड्राइंग नंबर S10.800 के अनुसार किया गया है। आयरिस पॉइंट मशीन में रोटरी टाइप लॉकिंग की व्यवस्था होती है। आयरिस पॉइंट मशीन हर एक तरह के पॉइंट को ऑपरेट की कर सकता है और आयरिस पॉइंट मशीन नॉन ट्रेलेबल टाइप पॉइंट मशीन होता है। अब देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आयरिस पॉइंट मशीन। तो आयरिस पॉइंट मशीन में मोटर का प्रकार जो है DC सीरीज मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हाई थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है और स्ट्रोक 143 mm। मोटर का नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज 110 वोल्ट DC, करंट 2 से 3 एम्पियर, ऑपरेटिंग टाइम 3 से 5 सेकंड। लॉकिंग रोटरी टाइप होता है, स्विच की लॉकिंग इंडिपेंडेंट होती है। अरेंजमेंट फॉर लॉकिंग ऑफ स्विचेस इनडायरेक्ट थ्रू ग्राउंड कनेक्शन। थ्रस्ट 700 kg। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए फ्रिक्शन क्लच होता है जो कि सेल्फ एडजस्टेबल होता है। स्नबिंग मैकेनिकली प्राप्त होता है। RPM 1700, नंबर ऑफ कंट्रोल कॉन्टैक्ट 2+2, नंबर ऑफ डिटेक्शन कॉन्टैक्ट 2+2, पावर 440 वाट। स्पेसिंग बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ स्लीपर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, जिसपे कि पॉइंट मशीन को इंस्टॉल किया जाता है, 710 mm होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राउंड कनेक्शन 5, 2 लॉक 2 डिटेक्शन और 1 थ्रो। अब हम लोग देखते हैं कि आयरिस पॉइंट मशीन में ऑपरेशन का सीक्वेंस। तो पहला, जब भी हम लोग पैनल से पॉइंट को चलाते हैं तो डिटेक्शन कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, यानी ओपनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डिटेक्शन कॉन्टैक्ट। उसके बाद पॉइंट स्विचेज का अनलॉकिंग होना, तब पॉइंट नॉर्मल से रिवर्स की तरफ या रिवर्स से नॉर्मल की तरफ मूव करता है और सेट होने पर पुनः जो है पॉइंट स्विचेज की को लॉक किया जाता है, और लॉक होने पर करेक्टली सेट हुआ है कि नहीं इसको सुनिश्चित करने के लिए डिटेक्शन कॉन्टैक्ट मेक होता है। अब हम लोग जानेंगे मेन पार्ट्स ऑफ आयरिस पॉइंट मशीन। तो हाउसिंग एंड कवर विथ लॉकिंग अरेंजमेंट, क्रैंक कटआउट स्विच, मोटर विथ रिडक्शन गियर असेंबली, फ्रिक्शन क्लच, डिटेक्शन एंड कंट्रोलिंग कॉन्टैक्ट असेंबली, थ्रो स्लाइड, लॉक स्लाइड एंड डिटेक्शन स्लाइड। अब इन पार्ट्स को हम लोग इस पिक्चर में देखेंगे, फोटो में देखेंगे। तो देखिए, क्रैंक हैंडल कटआउट स्विच, तो इस आयरिस पॉइंट मशीन को मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए क्रैंक हैंडल होता है, और जब हम लोग इस आयरिस पॉइंट मशीन को क्रैंक हैंडल के द्वारा ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने से पहले मोटर को इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट करने के लिए क्रैंक हैंडल कटआउट स्विच का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए चाबी की भी व्यवस्था होती है। DC मोटर, तो DC मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और रिडक्शन गियर असेंबली होता है इसी के साथ, जो कि इसके RPM को कम करता है लोड के अनुसार। हाउजिंग, तो हाउजिंग जो है वो कास्ट आयरन का बना होता है, और
इसी में आयरस पॉइंट मशीन के सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। फ्रिक्शन क्लच, फ्रिक्शन क्लच, ओवरलोड प्रोटेक्शन और मैकेनिकल स्नबिंग के लिए होता है। इस पिक्चर में भी देखिए पार्ट्स ऑफ आयरस पॉइंट मशीन, तो इसमें दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट असेंबली, तो दो कॉन्टैक्ट असेंबली होता है, एक नॉर्मल के लिए और दूसरा रिवर्स के लिए। तो आउटसाइडर कॉन्टैक्ट जो होता है इस असेंबली का, वो कंट्रोलिंग कॉन्टैक्ट होता है और नॉर्मल के लिए अलग होता है जिसको एनसी कहा जाता है, और रिवर्स के लिए अलग जिसको आरसी कहा जाता है। जो इनर कॉन्टैक्ट सेट होता है वो डिटेक्शन के लिए होता है, जिनको एनडी और आरडी कहा जाता है। डिटेक्शन स्लाइड, लॉक स्लाइड, थ्रो स्लाइड और पॉइंट मशीन कवर। तो अब देखते हैं हम लोग थ्रो स्लाइड के बारे में। तो थ्रो स्लाइड थ्रो रॉड और एल ब्रैकेट की सहायता से स्ट्रेचर बार के साथ जुड़ा होता है और पॉइंट को नॉर्मल या रिवर्स में यानी स्विच को मूव करता है। लॉक स्लाइड, तो पॉइंट मशीन थ्रो रॉड के द्वारा जब नॉर्मल से रिवर्स में चलाया जाता है तो करेक्टली सेट होने पर लॉक स्लाइड के द्वारा उसको मैकेनिकली लॉक किया जाता है, और दोनों साइड के लिए यानी नॉर्मल के लिए अलग और रिवर्स के लिए अलग लॉक स्लाइड होता है, और दोनों इंडिपेंडेंट होता है। डिटेक्शन स्लाइड भी दो होता है, नॉर्मल के लिए अलग और रिवर्स के लिए अलग, और डिटेक्शन स्लाइड भी डिटेक्शन रॉड के द्वारा पी ब्रैकेट से स्विच के साथ जुड़ा होता है और पॉइंट के करेक्टली सेट होने पर इलेक्ट्रिकली प्रूविंग के लिए इस कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कॉन्टैक्ट मेक होगा तो पॉइंट इलेक्ट्रिकली डिटेक्ट होगा कि पॉइंट सेट हो गया है। इस डायग्राम में देखिए स्विच रेल और स्टॉक रेल को दिखाया गया है, तो इसी स्विच रेल को आयरस पॉइंट मशीन मूव करता है, जिसका ओपनिंग 115 mm होता है, और इस ओपनिंग को स्विच रेल के टू पर स्टॉक रेल के साथ मेजर किया जाता है जो कि 115 mm होता है। ये देखिए पॉइंट का फ्रंट व्यू है, तो इस पॉइंट में पी ब्रैकेट, लीडिंग स्ट्रेचर बार, डिटेक्शन रॉड और लॉक रॉड को दिखाया गया है। तो इस फोटो में क्लियर दिख रहा है कि प्री पी ब्रैकेट जो है कि स्विच रेल से जुड़ा होता है, और पी ब्रैकेट के साथ लॉक रॉड और डिटेक्शन रॉड एमएस पिन के द्वारा जुड़ा रहता है। तो इस फोटो में दिख रहा है कि नॉर्मल के लिए अलग रॉड और डिटेक्शन रॉड होता है, रिवर्स के लिए अलग लॉक रॉड और डिटेक्शन रॉड होता है। लीडिंग स्ट्रेचर बार जो है ड्राइविंग रॉड से एल ब्रैकेट के द्वारा जुड़ा रहता है, और यह स्विच रेल को इक्वली मोमेंट ट्रांसमिट करता है नॉर्मल और रिवर्स साइड में, यानी दोनों तरफ। ये देखिए ये है पॉइंट बस, पॉइंट का फ्रंट व्यू विथ कंप्लीट ग्राउंड कनेक्शन। तो पॉइंट मशीन को SRJ यानी कि स्टॉक रेल जॉइंट से तीसरे चौथे स्लीपर पे लगाया जाता है, और इन स्लीपरों की स्पेसिंग जो है सेंटर टू सेंटर 710 mm होता है। ये जो लंबा स्लीपर दिख रहा है आपको वो थर्ड और फोर्थ होता है, और इन्हीं लॉन्ग स्लीपरों पे आयरस पॉइंट मशीन को इंस्टॉल किया जाता है। थर्ड नंबर स्लीपर पे दिखाई दे रहा है जो कि SRJ से तीसरे नंबर पे है, वो उसमें एक गेज टाइप प्लेट लगा हुआ है जो कि पॉइंट के गेज को मेंटेन कर रखता है, और पॉइंट जो उनका ट्रैक सर्किट फेल ना हो जाए इसीलिए गेज टाइप प्लेट को इलेक्ट्रिकली
इंसुलेशन के द्वारा इंसुलेटेड रखा जाता है।